नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सोनीपत के इंडस्ट्रियल एरिया व रेवाड़ी गुरुग्राम की सड़कों को लेकर हरियाणा सरकार और साथ साथ नेशनल मास्टर प्लान की जो मीटिंग हुई थी उसमें इनको लेकर बड़ी मंजूरी मिल गई है। तो आने वाले समय में सोनीपत जिले के साथ साथ हरियाणा के रेवाड़ी और गुरुग्राम क्षेत्र को भी काफ़ी बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। इस वीडियो के माध्यम से इन सौगातों का आप सुनने का काम कीजिए। सबसे पहले नेशनल मास्टर प्लान की मीटिंग में मंजूरी मिल गई है। नेशनल प्लान की मीटिंग, नेशनल प्लान मास्टर प्लान से जुड़ी एक प्रोग्राम इकाई होती है जिसके तहत कई प्रोग्रामों को मीटिंग में सहमति मिल चुकी है। वे इन कार्यक्रमों को करने का प्रोग्राम सरकार द्वारा तय किया जा चुका है। अब बात करते हैं 97 करोड़ के 5 प्रोजेक्टों को यहाँ पर मंजूरी मिली है, जिनमें राई व बरही इंडस्ट्रियल एस्टेट की सूरत को बदलने का काम किया जाएगा। वैसे तो आप लोग जानते होंगे राई और बरही जो क्षेत्र हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी अलग पहचान लिए हुए हैं, लेकिन इन क्षेत्रों के साथ साथ 97 करोड़ के 5 नए प्रोजेक्टों को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। बात करें सड़कों को चौड़ी करने का भी काम किया जाएगा, जिनके लिए 16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेशनल मास्टर प्लान NMP, जिसका मतलब नेशनल मास्टर प्लान होता है, कि हरियाणा में दूसरी मीटिंग संपन्न हुई है। नेशनल मास्टर प्लान के तहत केंद्र सरकार की ओर से मास्टर प्लानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए जाते हैं। मीटिंग में 97 करोड़ के 5 प्रोजेक्टों को मंजूरी मिली है, मतलब कुल 5 प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे जो नेशनल NMP की मीटिंग में फिक्स हुए हैं। इन 5 प्रोजेक्टों को बनाने के लिए, पूरा करने के लिए 97 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इन प्रोजेक्टों के जरिए सोनीपत के राई और बरी इंडस्ट्रियल एस्टेट की सूरत को बदलने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही रेवाड़ी व गुरुग्राम जिले को भी सड़क तंत्र मजबूत करके अक्षेत्र को नई पहचान देने का काम किया जाएगा। सड़कों पर खर्च होंगे 16 करोड़ रुपए। मीटिंग में CS संजीव कौशल ने बताया इंडस्ट्रियल पार्क और इकोनॉमिक जोन की कनेक्टिविटी को बेहतरीन करने के लिए सोनीपत के राई में सेक्टर 38 फेज 2 इंडस्ट्रियल एस्टेट में सड़कों को चौड़ा करने का काम किया जाएगा, ताकि अक्षेत्र की दिशा और दशा को बदलने का काम हो सके व अक्षेत्र की एक अलग पहचान बन सके। इसके अलावा इस पर लगभग करीब 16.13 करोड़ की लागत से खर्चा करके यहां पर पूरा एरिया एस्टिमेट बजट तैयार किया जाएगा। यह इंडस्ट्रियल एस्टेट करीब 375 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इस परियोजना को PM गति शक्ति NMP पर मैपिंग द्वारा पूरी कर ली गई है, मतलब इस क्षेत्र की योजनाओं का जो ड्राफ्ट होता है वह मैपिंग के द्वारा कंप्लीट कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रोजगार के यहां पर अवसर बढ़ेंगे, और यहां पर मीटिंग में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने यह दूसरी मीटिंग ली है जिसमें सोनीपत के बरी इंडस्ट्रियल क्षेत्र के फेज 1 में 11.52 करोड़ की लागत से सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, ताकि यहां पर जो सड़कों का जाल है उसे बेहतर बनाया जाए व एक सुगम यातायात को सावधानी से बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जाए। वर्तमान में सड़कों की हालत खराब है, इसको देखकर यह फैसला लिया गया है। 275 एकड़ में फैले इंडस्ट्रियल एस्टेट में वर्तमान में 472 औद्योगिक इकाइयाँ संचालित हैं। बेहतर आधारभूत ढांचा होने के कारण यहाँ पर जो एक यूनिट है 472, इस औद्योगिक क्षेत्र में यूनिट भी बढ़ेंगी, जिससे 472 से कई गुना यूनिटों के 1000 के करीब जाने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे यहाँ पर रोजगार के अवसर भी बढ़ने का इन फ्यूचर काम किया जाएगा। तैयार हो रहा है फूड पार्क बरी औद्योगिक क्षेत्र में। सेक्टर में करीब 75 एकड़ क्षेत्र में मेगा फूड पार्क भी स्थापित किया जा रहा है। फूड पार्क पूरी तरह से हाईटेक होगा व यहां पर आधुनिक मशीनें लगाकर इस क्षेत्र को डेवलप किया जाएगा, ताकि यहां पर जो यहां से सामान खरीदने वाले हैं इस फूड पार्क से उन्हें भी बेहतरीन सामान मिल सके, मशीनों के माध्यम से बेहतरीन तरीके से काम हो सके। इससे उद्यमी हरियाणा की ओर आकर्षित होंगे व यहां के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे। इससे अलग रेवाड़ी और गुरुग्राम क्षेत्र के लिए सड़कों का जाल बिछाया जाएगा।
सीएस की मीटिंग में बताया कि रेवाड़ी में आईएमटी बावड़ फेज टू को की भी सड़कों को चौड़ा करने का काम किया जाएगा, वही ने सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि सड़कों पर यातायात को किसी प्रकार की समस्या न हो। वह भारी से बाहरी वाहन भी इन सड़कों का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ला और ले जा सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया पंचगांव से फरुखनगर तक वाया जमालपुर सड़क को दो लेन बनाने की मंजूरी भी मिल गई है। इस सड़क की काफ़ी लंबे समय से मांग उठ रही थी कि यहाँ पर यह सड़क भीड़ी है तो इसे चौड़ा करने का काम किया जाएगा और इसे दो लेन तक बढ़ा दिया जाएगा। 44 करोड़ रुपये वाली यह सड़क दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से शुरू होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग 352 वेस्ट से होते हुए मॉडल इकोनॉमी टाउनशिप MIT झज्जर तक यह जाएगी। इसके अलावा गुरुग्राम के लिए भी योजना में कुछ खास है। नेशनल मास्टर प्लान के तहत गुरुग्राम नू में भी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 13.66 करोड़ रुपये की लागत से सड़क को चौड़ा और सुदृढ़ीकरण करने का काम किया जाएगा। यह सड़क दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 919 तक जाएगी। यह अक्षेत्र एक लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा। वह यहाँ पर कई वेयर हाउस वर्तमान में चले हुए हैं जिनसे NCR एरिया में इनकी कनेक्टिविटी बेहतरीन तरीके से और आगे पहुँच जाए, इस पर भी फोकस करके सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है ताकि दिल्ली NCR के क्षेत्र को एक अलग पहचान मिल सके। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस। CS कौशल ने बताया कि PM गति शक्ति के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर व कनेक्टिविटी से जुड़े विभागों को एक मंच पर लाए जाने का काम किया जा रहा है। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित प्लानिंग, रूट प्लानिंग, मॉनिटरिंग व सैटेलाइट तस्वीरों और टेक्नोलॉजी की मदद से इनकी रूपरेखा को तैयार करने का काम किया जा रहा है ताकि टेक्नोलॉजी की मदद से पता चल पाए कि कौन सी सड़क कहां पर कितने क्षेत्र में बनी हुई है, यहां पर कितने वेयर हाउसेज चल रहे हैं। हर प्रकार का डाटा ब्यौरा तैयार करके इन सड़कों को बनाने का काम किया जाएगा। इन सड़कों के बनने के बाद क्षेत्र के आधारभूत दिशाओं को बदलने का यह काम करेंगे। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से सोनीपत के बरी और राई इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ गुरुग्राम और रेवाड़ी फरुखनगर समेत जो नई सड़कों को चौड़ीकरण का मंजूरी मिली है वह 1 करोड़ों की जो परियोजना मिली है, इस परियोजना में हरियाणा सरकार समेत जो अधिकारी हैं, कौशल सर हैं, CS कौशल ने जो काम किया है उनको लेकर काफ़ी बेहतरीन यह रहा। जो यह दूसरी मीटिंग थी, इस दूसरी मीटिंग में ये फैसले लिए गए और उनको पास करने या मंजूरी इनकी पूर्ण रूप से मिल चुकी है। अब यह देखने का विषय होगा कि कितने समय बाद इन सड़कों को पूर्ण रूप से तैयार करके जनता को समर्पित करने का काम किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में इसी प्रकार के अनेक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।